दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। दोस्तों आज की कहानी बड़ी छोटी है पर इसकी सीख बहुत बड़ी है, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रमेश जो कि 46 वर्ष के थे, उन्होंने अपने बेटे गौरव की बहुत अच्छे से परवरिश की, उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, उसकी सभी सुकामनाओं की पूर्ति की। समय बीता और गौरव एक सफल इंसान बना, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन गया। उच्च पद, अच्छा वेतन और सभी सुख सुविधाएं उसे कंपनी की ओर से प्रदान की गई। समय गुजरता रहा और गौरव का विवाह एक सुंदर सुशील कन्या से हुआ, उसके बच्चे हुए और उसका अपना परिवार बन गया। अब रमेश बूढ़ा हो चला था। एक दिन रमेश को गौरव से मिलने की इच्छा हुई तो वो गौरव से मिलने उसके ऑफिस में गया। वहां उसने देखा कि उसका बेटा गौरव एक शानदार ऑफिस में अधिकारी बना हुआ है। उसके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी उसके अधीन काम कर रहे हैं। यह सब देखकर रमेश का सीना हर पिता की तरह गर्व से फूल गया। वह बूढ़ा रमेश गौरव के चेंबर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और बड़े प्यार से गौरव से पूछा, बेटा इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? गौरव ने अपने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए जवाब दिया, मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी। रमेश को इस जवाब की आशा नहीं थी, उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। उनकी आंखें छलछला गईं, वो चैम्बर का गेट खोलकर बाहर की ओर निकलने लगे। जाते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर गौरव से फिर पूछा, एक बार फिर बताओ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? इस बार गौरव ने कहा, आप हैं पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं। रमेश ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो? गौरव ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था, जिस बेटे के कंधे पर या सिर पर उसके पिता का हाथ होता है वो बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा ना। मैंने सच कहा ना पिताजी। रमेश की आंखें भर आईं, उन्होंने गौरव को कसकर गले लगा लिया। सच है, जिसके कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। हमारी तरक्की उन्नति से जब सभी लोग जलते हैं तो केवल माँ बाप ही हैं जो खुश होते हैं। हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें क्योंकि हमारी सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।